हाय एवरीवन, कुक विद अपू में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ और एक टेस्टी रेसिपी, रसमलाई। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनता है ये, ज़रूर ट्राई करें एक बार। मैं बताने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स के साथ। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट बना है, अंदर तक रस भरा हुआ है। देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ फुल फैट मिल्क, हाफ लीटर लिया हुआ है मैंने। पहले हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छा उबाल आ जाए। बेसिकली हम इसको एक रबड़ी बनाने वाले हैं जो कि हम रसमलाई में डालने वाले हैं। इसको लो फ्लेम पे रखें ताकि वो धीरे धीरे कुक होता रहे। यहाँ पे आप लो फैट भी ले सकते हैं, टोंड मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट से ज़्यादा अच्छी रबड़ी बनता है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए फुल फैट मिले तो आपको आप ले लीजिए। हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे से वो चिपक ना जाए। जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी आलमंड के कतरन और थोड़ी सी पिस्ता और थोड़ी सी इलायची पाउडर। आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डालिए। और थोड़ी सी केसर के धागे ले रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छी कलर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगा। केसर ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, इसके जगह थोड़ी सी फूड कलर डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं ऑरेंज रेड फूड कलर को पानी में घोल के एक ड्रॉप डाल रही हूँ, बस एक ही ड्रॉप डाल रही हूँ। आप चाहे तो ना डालें, फूड कलर डालना भी ऑप्शनल है। इससे बहुत अच्छी कलर आता है, जैसे मार्केट वाला लुक आ जाता है इसमें, लेकिन टेस्ट सेम ही रहता है आप कलर डालें या ना डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं डाल रही हूँ हाफ कप शुगर। आप चाहे थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। शुगर डालने के बाद हम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, तब तक जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, नहीं तो रसमलाई अच्छे से सोख नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा पतला ही रखना है और ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है। थोड़ी सी गाढ़ी होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं छेना बनाने के लिए, दूध गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ है 1 लीटर गाय का दूध। आप चाहे टोंड मिल्क ले सकते हैं, फुल फैट मत लीजिए। कभी भी छेना बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क मत लीजिए या फिर बफेलो मिल्क मत लीजिए। ये देखिए दूध में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे 2 मिनट के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप नॉर्मल पानी, इससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो छेना हार्ड बनेगा। गरम छेने में अगर विनेगर डालेंगे, पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इसको चला लेंगे। इसके बाद विनेगर या नींबू का रस आप जो चाहे इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून विनेगर के साथ 4 टेबलस्पून पानी। आप चाहे 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ में पूरा नहीं डालेंगे। हर बार विनेगर वाला पानी डालने के बाद 2 सेकंड वेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे रुकना है। जैसे ही छेना फटने लगा है हम वहीं पे रुक जाएंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ में हम इस पे नज़र रखेंगे कब ये फटना शुरू हो रहा है और थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे इसको बीच बीच में। नॉर्मली 1 लीटर दूध में 2 बड़े चम्मच विनेगर से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा या कम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी दूध की क्वालिटी के ऊपर। अब हम इसको छान लेंगे एक सूती कपड़े में इस तरह से। इस पानी को आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, दाल सब्जी कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। या फिर 1-2 दिन में छेना फाड़ना है तो इसी पानी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बोल में आइस। इस छेना को हम इस पानी में डाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, नहीं तो अपने हीट में वो पकता रहता है और हार्ड बनता जाता है, इसलिए हम थोड़ी देर से छोड़ देंगे। इसके बाद इसको हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसको हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो 1/2 घंटे के लिए कहीं पे टांग सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक मोटा टॉवल ले लीजिए और इसको इसके बीच में रख के 1/2 किलो तक का वेट डाल दीजिए इसके ऊपर।
आधा किलो से ज़्यादा वेट नहीं डालेंगे और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अब हम रसमलाई के लिए चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर और 6 कप पानी। इसको हम मिला लेंगे और अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छे से घुल जाने के बाद हम इसको ढक के उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम छेना की तरफ चलते हैं। अब हम छेना को चेक कर लेते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट छेना बना है। यहाँ पे अगर ड्राई हुआ होगा तो 1-2 ड्रॉप पानी डाल सकते हैं आप इसमें, नहीं तो आप चेक कर ले कि इसमें मॉइस्चर तो नहीं है। अब हम इसको हाथों के बीच में रख के इस तरह गोला बनाएंगे। अगर ये नहीं चिपक रहा है मतलब ये सही बना है, अगर ऐसी कंडीशन में ये चिपक रहा है तो इसको टॉवल के बीच में और थोड़ी देर रखिए, इसका मॉइस्चर सारा सूख जाएगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से मसल लेंगे। अब हम छेना को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे हाथों के नीचे यहाँ से। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मसलेंगे, नहीं तो यहाँ से घी सेपरेट होने लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा से थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, ज़्यादा वाइट नहीं दिखता है। 2 मिनट तक अच्छे से मिलाने के बाद हम इसका गोला बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कितना साइज चाहिए आपको उसी हिसाब से बना लीजिए। अब हम इसको हाथों के बीच में रख के एक बॉल जैसा बनाएंगे, जैसे रसगुल्ला बनता है। एकदम स्मूथ बॉल बनाएंगे बिना किसी क्रैक के, फिर बीच में से इसको दबा देंगे थोड़ा सा, एक पेड़े का शेप में दे देंगे और साइड से इसके सारे क्रैक्स जो हैं उसको कोशिश करेंगे कम से कम रहे। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे और ढक के इसको रख देंगे। अब चलते हैं हम चाशनी की तरफ। ये देखिए चाशनी में बहुत अच्छा उबल आने लगा है। हमें बहुत ही ज़्यादा उबलता हुआ पानी चाहिए। इसमें हम एक एक करके सारे पेड़े डालेंगे, एक साथ में सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमें इसमें लगातार उबाल आते रहना चाहिए। जब हम डाल रहे हैं उसी हालत में हम थोड़ा फ्लेम को तेज कर लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कम ना हो। जैसे हम ढक्कन डालेंगे उसके बाद उसको हम मीडियम पर रख देंगे। हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है, लेकिन 5 मिनट के बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना और पलटते रहना है। देखिए 5 मिनट हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। इसी तरह बीच बीच में पलटते हुए हमें 20 मिनट तक इसको पकाना है ढक के। इस बीच हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गया है पकते हुए, ये पक गया है। मैं बीच बीच में इसको पलटती रहती थी, आप भी ऐसे करिए। अब हम इसको चेक कर लेंगे कहीं कच्चा तो नहीं है। अब हम एक पीस इसमें से लेके एक बोल में नॉर्मल पानी ले लेंगे और उसके अंदर इसको डाल के देखेंगे। अगर ये डूब गया थोड़ी देर बाद इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। अगर वो तैरता रहता है तो आप इसको और 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। एक बोल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है, एक एक रसमलाई इसमें डालते जाएंगे गरम चाशनी में से निकाल के। इससे क्या होगा, रसमलाई थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ये अपनी गर्मी में पकता रहेगा और हार्ड हो जाएगा। अब हम वही चाशनी को डालेंगे इसमें थोड़ा सा, जब तक ये डूब ना जाए उतना ही डालेंगे, वो चाशनी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसके साथ। अगर आपको मेरे दूसरे रेसिपीज देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लें। ये देखिए ये ठंडा हो गया है, 5 मिनट हो गया है। अभी हम इसको हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे और दूसरे बोल में डालते जाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। हर जगह मैंने कोई ना कोई टिप्स दिया हुआ है, कोई गलती नहीं होने वाली है। एक बार ट्राई करो और बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक खुश रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।